नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं विजय पथ। आज विजय पथ पर हम चर्चा करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग की। वैसे तो भारत में चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर पुरानी अपनी सभ्यताएं जो सिंहवेर एवं इलाहाबाद के पास भी अगर आप देखेंगे, तो वाटर हार्वेस्टिंग का एक नायाब और अनूठा प्रयोग था जो कि हमारे पहले पूर्वज करते रहे। आज जब पूरी दुनिया पानी की समस्या से जूझ रही है और इस जूझने की कवायद में कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से भारत के कई शहर बिना पानी के हो जाएंगे, जिनमें दिल्ली के पास का गुड़गांव और बाकी के और दूसरे शहर हैं। इसका कारण क्या है? कारण है खत्म होते तालाब, खत्म होती बावली, खत्म होते कुंड। उसके पीछे की कवायद कहीं ना कहीं इनक्रोचमेंट, अवैध कब्जा और अपना घर बसाने के चक्कर में जल संसाधनों को खत्म करना था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, उस पर भाषणबाजी करने से या लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर आज से हम लोग सोच लें कि इस मानसून हर कोई वाटर हार्वेस्टिंग का एक छोटा या बड़ा प्रयोग करेगा, तो प्रयोग कैसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले गांव के छतों से मुड़ेड़ से गिरने वाला पानी कहीं ना कहीं किसी तालाब में या कुंड में जाकर के इकट्ठा हो जाता था। हमने पूरा का पूरा उस सिस्टम ही खत्म कर दिया। जो सिस्टम बारिश के लिए बना था आज वो सीवरेज और ड्रेनेज के लिए हो गया है। तो जहां साफ पानी मिल सकता था उस पानी की बजाय हमने एक दूसरी अपनी कवायद शुरू कर दी है गंदगी को जमा करने की, और बाद में हम इसी गंदगी को नदियों में फेंक देते हैं। बारिश का समय है, इस समय हर नदी अपने आप को साफ करती है, धोती है। कहते हैं कि हर बारिश नदी अपना अलग तरीके से श्रृंगार करती है और ऐसा बहाव लाती है कि आसपास की गंदगी को खुद उठा करके वो बाहर फेंक देती है। लेकिन अगर आज इस ज्यादा पानी को हम लोगों ने बारिश के दौरान छोटे छोटे प्रयोग करके पार्क्स में, अपनी छतों पर, वाटर टैंक्स में अगर कहीं इकट्ठा कर लिया, तो भले हो सकता है ये पीने के काम ना आए, लेकिन ये वाटर लेवल बढ़ाने के काम तो आएगा। जितना पानी हम इकट्ठा करेंगे उतना ही हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, और जितना वाटर लेवल बढ़ेगा सूखती झील, सूखती नदियाँ उतनी ही फिर से जीवंत हो जाएंगी। नदियाँ वैसे कहते हैं कि सूखती नहीं है, वो हजारों साल तक जीवंत बहती रहती हैं, तो चाहे सरस्वती का उदाहरण ले लें या बाकी सिंधु नदी का ले लें। लेकिन हकीकत में उन नदियों को हम एक फसाने के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी शायद ही पानी और पानी की किल्लतों के बारे में सोच रही है, और अगर सोच रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग एक कवायद करते हैं नए नए वाटर रिजर्व सेंटर्स खोलने की, वाटर हार्वेस्टिंग करने की। इस बारिश सिर्फ इसी गुजारिश के साथ आपका यह विजय पथ है। आगे फिर मिलेंगे नए विजय पथ के साथ।